आप सभी जानती हैं, हम अपनी वीडियोस में अलग अलग फीमेल बॉडी बिल्डर्स, मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग वुमेन्स की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपके लिए लाते रहते हैं। और इसी कड़ी में हम आज आपके लिए लाए हैं एक और दमदार मस्कुलर महिला बॉडी बिल्डर फेब्योला बाउलेंगर की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी। 10 अगस्त 1978 को जन्मी फेब्योला बाउलेंगर एक कनेडियन फीमेल बॉडी बिल्डर हैं और साथ ही वो एक प्राइवेट ट्रेनर भी हैं। फेब्योला बाउलेंगर की बॉडी बिल्डर बनने की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने भाई के साथ घर पर ही ट्रेनिंग करनी शुरू की, क्योंकि उनके भाई का मानना था कि मस्कुलर लेग्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। उनके भाई ने घर पर एक छोटा सा जिम बना लिया था और वो अपने भाई के साथ उसी जिम में वर्कआउट करने लगी। उनके भाई ने उन्हें स्क्वेट्स करना और कुछ लेग एक्सरसाइज करनी सिखाई, पर धीरे धीरे फेब्योला को जिम में वर्कआउट करने में मजा आने लगा और वो नए नए तरह से जिम में वर्कआउट करने लगी। फेब्योला की बॉडी भी इन एक्सरसाइज को जबरदस्त रिस्पॉन्ड दे रही थी और जल्दी वो काफी टोंड और मस्कुलर बन गई। फिर मात्र 20 साल की उम्र में फेब्योला ने अपने पहले कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और वो उसमें विनर भी रही, पर कुछ कारणों से उन्होंने उसके बाद किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया और बॉडी बिल्डिंग करना भी छोड़ दिया। फिर लगभग 10 साल बाद उन्होंने दोबारा बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और उसी साल एक रीजनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और उसमें दमदार जीत भी हासिल की। फिर वो अलग अलग रीजनल और लोकल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने लगी और लगभग 2 साल बाद कैनेडियन नेशनल्स में दमदार जीत के बाद उन्हें अपना प्रो कार्ड हासिल हो गया और वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन गई। हालांकि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने के बाद फेब्योला ने ज्यादा प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, पर फिर भी बड़ी बड़ी और नामचीन फीमेल बॉडी बिल्डर भी स्टेज पर उनके सामने परफॉर्म करते हुए डरती थी। इसका कारण था फेब्योला की बेहतरीन फिजिक और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने इतनी दमदार बॉडी अपने घरेलू जिम और शहर के छोटे जिमों में बनाई थी। उनकी बॉडी को हम नेचुरल कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी अपनी मेहनत और हिम्मत के बल पर छोटे छोटे जिम में वर्कआउट करके बनाई थी। दोस्तों, फेब्योला बाउलेंगर काफी प्रतिभाशाली फीमेल बॉडी बिल्डर थी, पर कुछ निजी कारणों और बीमारियों के चलते उनका कैरियर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और सन 2013 के बाद उन्होंने बॉडी बिल्डिंग से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। फिलहाल वो अपनी फैमिली के साथ कनाडा में रहती हैं और एक पर्सनल ट्रेनर के रूप में लोगों को फिट और हेल्दी रहने में मदद करती हैं। दोस्तों, फेब्योला बाउलेंगर हालांकि कभी मिस ओलंपिया या किसी बड़ी प्रोफेशनल प्रतियोगिता में जीत हासिल नहीं कर पाई, फिर भी वो काफी स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बॉडी की मालकिन थी और उनकी स्टेज पर उपस्थिति मात्र से ही बड़ी बड़ी फीमेल बॉडी बिल्डर्स डरती थी। यही शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक और दमदार और स्ट्रॉन्ग महिला बॉडी बिल्डर की इंस्पिरेशनल कहानी के साथ।